सोलन शहर में बढ़ती अतिक्रमण की समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मुहिम आज छठे दिन भी जारी रही। आज SDM सोलन की अध्यक्षता में अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। सोलन SDM कविता ठाकुर आज JCB के साथ राजगढ़ रोड पर उतरी और जिन लोगों ने अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया था उन पर JCB चलाई गई। वहीं अब प्रशासन बिजली विभाग के साथ मिलकर सड़क किनारे लगे पोल हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी में लगा है ताकि राहगीरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सर्कुलर रोड को जो टर्निंग है वहाँ से लेके ओल्ड DC चौक तक बैकवर्ड्स और वहाँ पे जो एंगल्स लगाए हैं बड़े बड़े मॉल्स हैं शॉप्स हैं उन्होंने बिल्कुल एक्वायर्ड और कंट्रोल्ड विड्थ के बीच में जो एंगल्स लगाए हैं वो हमने रिमूव किए हैं आज और आज हम इंश्योर करेंगे कि वो एंगल सारे रिमूव हो जाए ताकि जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको चलने में आसानी हो और एक्सीडेंट प्रोन ना रहे ये जोन विच इज़ ऑलवेज अ बॉटलनेक हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है। वैसे भी बिल्डिंग तो नहीं है वही चीज़ है वो ना कंट्रोल्ड विड्थ में है जो भी पोर्शंस कंट्रोल्ड विड्थ में है और PWD की रोड को टच कर रहे हैं उनको हमने रिमूव किया है। मैम पोल हटाने की भी बात आपने कही तो आगामी दिनों में क्या JCB के पोल भी यहाँ से हटा दिए? हाँ जी ये एक्सियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो विज़िट करें ये स्पॉट और पोल्स जहाँ पे हैं उससे पीछे की तरफ अगर जाएं तो वास्तव में रोड खुल जाएगी। आपको बता दें कि कोटला नाला से ओल्ड DC ऑफिस तक रास्ता इतना तंग हो चुका है कि जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं। अब ये मुहिम आगामी दिनों में भी जारी रहेगी और प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर बाजारों में सरप्राइज विजिट करते रहेंगे। पंजाब केसरी TV के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।